राजधानी दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इसी को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से जिला उपाध्यक्ष सुशील चौधरी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी और महासचिव प्रशासन अधिकारी अंजुम खान की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष किशोर गोहरी व महासचिव प्रशासन अधिकारी अंजुम खान ने पार्टी में शामिल हुए सुशील चौधरी को तुरंत तिमारपुर जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी जताते हुए कहा कि सुशील चौधरी एक कर्मठ नेता है, हमारी पार्टी में इनके शामिल होने से पार्टी को बल मिलेगा और आगामी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए सुशील चौधरी ने बताया कि हमने एनसीपी का दामन एनसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी की नीतियों को देखते हुए थामा है। साथ ही सुशील चौधरी ने कहा कि जिस कांग्रेस की आम आदमी पार्टी बुराई करती आ रही है उसी कांग्रेस पार्टी के साथ आज आम आदमी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, यानी चौर चौर मौसेरी भाई। वहीं उन्होंने कहा कि केजरीवाल की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, कारण बहुत बड़ा है। ये आम आदमी वाले कहते थे कि हम उस कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, ये इन्होंने अपने बच्चों तक की कसम खाई थी। जिस कांग्रेस के खिलाफ ये आरोप पत्र लेके मुख्यमंत्री जी घूमते थे उन्हीं के साथ में इन्होंने गठबंधन किया। दिल्ली में 10 साल में इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया, दिल्ली में कोई विकास कार्य नहीं हुआ और हम तो अरविंद केजरीवाल के साथ इसलिए लगे थे कि शायद ये कोई विकास कार्य करेंगे, लेकिन ये तो वही ढाक के तीन पात, जो कांग्रेस ने किया वही इन्होंने किया। जी जी, तो मेरे साथ करीब 4 विधानसभाओं के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये अपनी पूरी ताकत दमखम रखते हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, ये कोई हवाई खाली लिफाफे वाले कार्यकर्ता नहीं है जी। और मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं 25 का, हमारी NDA की दिल्ली की 7 सीटें। चौधरी जी हैं, ये अपना तिमारपुर विधानसभा से इनको जिलाध्यक्ष बनाया है, ये आम आदमी पार्टी से वहाँ से उपाध्यक्ष थे जिले में, वहाँ से छोड़ के हमारी इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और इनके साथ पूरी टीम है, पूरे संगठन के साथ ये जुड़े हैं हमारे साथ और खूब मेहनत करेंगे इनके साथ लग के। देखिए, उम्मीद तो ये है मुझे कि मुझे अब ये हमारी एनसीपी पार्टी ये केजरीवाल जी की जगह आने वाली, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। जो बंदा आता यही शिकायत करता है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, अब तो घोटाले हो रहे हैं इतने, तो अब जो धीरे धीरे घोटाले सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि केजरीवाल जी ने सिर्फ शुरू में नाम दिखाया था कि हमने बहुत काम किया है, ये काम अब धरातल पर दिखाई नहीं देता। अब 2-4 जगहों पर 1-2 स्कूल बना देंगे तो उसको हम यही कहेंगे कि उन्होंने पूरी दिल्ली को चमका दिया। पूरी दिल्ली तो कहीं चमक नहीं रही, चमक रही होती तो उनके जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट पर जो विधायक हैं उनके बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, वो अपने बच्चे नहीं पढ़ाते क्योंकि उन्हें पता है स्कूल ठीक है। एक दो एरियो को लगता है, मुझे पूरा विश्वास हो गया उनकी उनके संगठन उनके कार्य क्षमता उनके बात करने तरीके से पता चलता है कि उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा है और जोड़ेंगे और वो जीत कर आएंगे, हमारी सीट पक्की हो गई। अब NBC न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।